A very good morning students. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam school. Today I will teach you English. Now I am going to take up chapter 6, the washerman and the potter. Students, ये story है एक धोबी की और एक कुम्हार की. धोबी कौन होते हैं? जो कपड़े धोते हैं. और कुम्हार कौन होते हैं? जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं. Okay? चलिए हम start करते हैं. पहले हम introduction read करेंगे. In our society, some people are very cunning. हमारे समाज में कुछ लोग बहुत चालाक होते हैं. They cheat others. वो लोगों के साथ cheat करते हैं. But we should treat them as they want. लेकिन हमें उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वो चाहते हैं. Read this lesson carefully. अब हम ये अच्छे से चैप्टर रीड करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. In Akbar's kingdom, there lived a washerman and a potter. अकबर के किंगडम में एक वॉशरमैन रहता था और एक पॉटर रहता था. Their houses were next to each other. उनके घर बिल्कुल आसपास थे, next थे एकदम, बिल्कुल एक दूसरे के आसपास ही थे. The washerman used to wash his clothes in the courtyard and spread them out to dry. जो वॉशरमैन था, जो धोबी था, वो अपने कपड़ों को अपने आंगन में धोता था, उन कपड़ों को आंगन में धोता था और वहीं पर उनको सुखा देता था. Once the clothes were dried and ironed, जैसे ही कपड़े सूख जाते थे और आयन हो जाते थे, प्रेस हो जाते थे, he would load them on his donkey and deliver them from house to house. वो क्या करता था फिर? उनको जो कपड़े थे उनको डंकी पर रखकर उनको घर कपड़ों को घर घर पहुँचाने का काम करता था. सिमिलरली द पॉटर यूज टू मेक हिज पॉट्स ऑन अ व्हील विच ही केप्ट इन हिज कॉटेड. वैसे ही जो पॉटर था वो भी अपने जो उनके घड़े थे मटके थे उनको व्हील पर बनाता था उनके अपने आंगन में वहीं पर उनको रखता था. ही मेड पॉट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. वो अलग अलग प्रकार के शेप के और साइज के घड़े बनाता था. दीज ही वुड ले आउट टू ड्राई इन द सन. वहीं पर वो उनको सूखने के लिए रख देता था. The donkey had nothing to do all day while the washerman washed and ironed the clothes. जो donkey था उसके पास कुछ भी काम नहीं था जब तक washerman कपड़ों को धो नहीं लेता था, iron नहीं कर लेता था, तब तक donkey के पास कुछ भी काम नहीं रहता था. One day, finding the gate to the potter's courtyard open, the donkey entered. एक दिन क्या होता है जो जैसे ही वो donkey potter के आंगन का gate खुला हुआ देखता है वो वहाँ पर अंदर चला जाता है. He wanted some fun and frolic in life. उसको कुछ वहाँ पे मज़े करने होते हैं. He found pots laid out everywhere. वो वहाँ पर देखता है कि सब जगह वहाँ पर pots रखे हुए हैं. The donkey trampled on a few pots. जो donkey होता है वो क्या करता है कुछ जो pots होते हैं उनको कुचल देता है. He liked the sound and the feel of the breaking pots. उसको जो घड़ी टूटने की जो आवाज़ आ रही होती है वो बहुत अच्छी लग रही होती है और उसको जो तोड़ने में भी बहुत मज़ा आ रहा होता है. So he trampled all over the courtyard and broke all the pots. तो फिर क्या होता है वो वहाँ पे सब चीज़ें वहाँ पे जो रखी होती हैं सारे पॉट्स को कुचल देता है जिससे सारे जो घड़े हैं वो टूट जाते हैं. द पॉटर केम आउट ऑफ हिज हाउस एंड सॉ द ब्रोकन पॉट्स एंड द वॉशरमैन्स डंकी. फिर जो पॉटर होता है कुम्हार होता है वो अपने घर से बाहर आता है और देखता है कि वहाँ पर सारे जो घड़े हैं वो टूटे हुए हैं और वहाँ पर वॉशरमैन का डंकी है. ही वॉज लेबेड हिज लेबर ओवर द पास्ट टू डेज ले इन शटर्ड बेड. फिर वो क्या होता है उसको मतलब वो वहाँ पर ये सब चीज़ें देखता है और जो उसकी मेहनत होती है दो दिन की वो पूरी एक मिनट में ही ख़राब हो जाती है, कुछ टाइम में ही, कुछ समय में ही ख़राब हो जाती है. द पॉटर वेंट नेक्स्ट डोर एंड पिक्ड अप द स्टिक द वॉशरमैन यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स. फिर क्या होता है फिर जो पॉटर होता है वो अपने वो दूसरे वाले घर में जाता है वहाँ से वॉशरमैन की स्टिक लेकर आता है जिससे वो कपड़े धोता है उसी स्टिक से वही स्टिक वो लेकर आता है. ही रिटर्न टू हिज कॉर्टयार्ड एंड स्टार्टेड बीटिंग द डंकी. वह अपने आंगन में वापस आता है और उससे जो स्टिक लेकर आया होता है उसे डंकी को मारने लगता है. डंकी ब्रेड लाउडली. जो डंकी है वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है. हियरिंग इज डंकी द वॉशरमैन रस्ड आउट ऑफ हिज हाउस. अपने डंकी की आवाज़ सुनकर जो वॉशरमैन होता है धोबी होता है वो अपने घर से बाहर आता है. वाई आर यू थ्रेशिंग माई डंकी ही येड. वो फिर जोर से चिल्ला के बोलता है कि तुम मेरे डंकी को क्यों मार रहे हो. योर स्टूपिड डंकी ब्रोक ऑल माई पॉट्स. तुम्हारे स्टूपिड डंकी ने मेरे सारे घड़े तोड़ दिए. नाउ आई शैल हैव नो मनी फॉर फूड. अब मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं.
सेड द पॉटर, पॉटर ने ऐसा कहा. आई शेल पे फॉर ऑल द ब्रोकन पॉट्स, मैं तुम्हें सारे जो तुम्हारे घर भरे टूटे हुए उनका मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, सेड द वॉशरमैन, वॉशरमैन ने ऐसा कहा. Saying which, he left enough money in the potter's house and left with his donkey. फिर वो उसने वहाँ पे जितने पैसे उसके थे उसने उसको दे दिए और वो अपने donkey को लेके वहाँ से चला गया. However, the potter was still angry. लेकिन तब भी जो potter था, कुम्हार था, वो तब भी गुस्से में ही था. He wanted to punish the washerman. और जो फिर वो उसने क्या सोचा कि मतलब वो उसको punish करना चाहता था, washerman को punish करना चाहता था. He spent the day thinking about ways टू गेट बैक एट द वॉशरमैन. वो मतलब यही सोचता और पूरा दिन वो यही सोचता रहा कि क्या करना चाहिए उसको वॉशरमैन के साथ में. द नेक्स्ट डे ही वेंट टू किंग अकबर्स पैलेस. फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, वो अकबर के जो दरबार था वहाँ पर गया. योर मैजेस्टी ही सेड, उसने कहा महामहिम, आई हैव जस्ट हर्ड दैट द शाह ऑफ ईरान हैज एन इम्प्रेसिव आर्मी. मैंने सुना है कि जो ईरान के शाह हैं उनकी जो आर्मी है बहुत ही इम्प्रेसिव है. ही हैज़ मैनी सोल्जर्स एंड एलिफेंट्स, उनके बहुत सारे सोल्जर्स हैं और उनके बहुत सारे एलिफेंट्स हैं. द शाह एलिफेंट्स आर ऑल वाइट एंड वेरी क्लीन, जो उनके एलिफेंट हैं वो बहुत ही सफ़ेद हैं, बहुत ही वाइट और बहुत ही साफ सुथरे हैं. सो हाउ डू वी मेक अवर डर्टी ब्लैक एलिफेंट्स वाइट एंड क्लीन, तो हम किस तरीके से अपने जो हमारे गंदे ब्लैक जो हो रहे हैं एलिफेंट्स उनको कैसे सफ़ेद और एकदम साफ बना सकते हैं. इंक्वायर्ड अकबर. द शाह ऑफ ईरान हैज़ अ बैंड ऑफ वॉशरमैन हु वॉश हिज एलिफेंट्स ट्वाइस अ डे. जो शाह ऑफ ईरान है उनके पास क्या है, उनके पास पूरा एक वॉशरमैन है जो कि जो उनके एलिफेंट्स को दिन में दो बार साफ करता है. अ वॉशरमैन लिव्स नेक्स्ट डोर टू मी, एक वॉशरमैन है जो मेरे घर के बिल्कुल पास में रहता है. ही वुड बी हैप्पी टू वॉश योर मैजेस्टीज एलिफेंट्स, उसको बहुत उनको बहुत खुशी होगी क्योंकि उनको ये ऐसा मौका मिले एलिफेंट्स को वॉश करने का, महामहिम के हाथियों को वॉश करने का मौका मिले तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा. द किंग रियलाइज द पॉटर वॉज अप टू सम मिस्चीफ, मतलब जो राजा थे उनको ये लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है, पॉटर है उसके माइंड में कुछ तो गड़बड़ है. However, he sent for the washerman and gave his instructions. वो फिर भी वहाँ पे washerman के पास में गया और उसको निर्देश दिए. The washerman spent all the day washing and scrubbing the elephant, king's elephant. जो washerman था उन्होंने क्या किया, पूरा दिन वो जो उनके राजा के जो elephant थे उनको घिस घिस कर जो उनको साफ करता रहा. द elephant certainly looked cleaner, जो elephant से एकदम साफ दिखने लगे. But they were still black in color, लेकिन वो तब भी कलर में तो ब्लैक ही थे. He realized the potter was behind this. उसको ये रियलाइज हुआ कि जरूर इसके पीछे पॉटर का हाथ है. But there was nothing he could do. लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं था जो वो कर सकता था. As night fell, his fears grew. जैसे ही रात हो रही थी उसको उसका डर बढ़ता जा रहा था. The king would be very angry if the elephants didn't turn white. जो राजा हैं वो बहुत गुस्सा होंगे अगर elephants white नहीं हुए तो. द वॉशरमैन स्नीक अवे टू बीरबल्स हाउस. फिर जो वॉशरमैन था वो कहाँ गया, किसके पास सलाह लेने गया, बीरबल के घर पे सलाह लेने गया. आफ्टर हिज विजिट देयर ही वॉज मोर एट ईज एंड स्लेप्ट पीसफुली डेट नाइट. वहाँ से आने के बाद में वो बिल्कुल शांति से सो गया, आराम से शांति से सो गया. द नेक्स्ट मॉर्निंग ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एट अकबर्स कोर्ट. दूसरी सुबह क्या होता है, दूसरी सुबह उसको अकबर के दरबार में पेश किया गया. योर मैजेस्टी आई नीड अ वेरी लार्ज पॉट, मेरे महामहिम मुझे एक बहुत बड़ा पॉट, एक मुझे एक बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत है, घड़े की ज़रूरत है. इफ़ आई सोक द एलिफेंट इन सोपी वाटर इट विल टर्न वाइट, अगर मैं एलिफेंट्स को उसमें सोक करके रखूँगा साबुन के पानी में तो वो जल्दी से सफ़ेद हो जाएंगे. द किंग समंड द पॉटर, फिर जो राजा थे उन्होंने पॉटर को बुलवाया. एंड ऑर्डर हिम टू मेक अ पॉट लार्ज इनफ फॉर अ एलिफेंट टू फिट इन, तो उसने उनको क्या ऑर्डर दिया, जो कुमार था उनको ऑर्डर दिया कि एक बड़ा सा पॉट बनाओ जिसमें एलिफेंट अच्छे से फिट हो जाए. द पॉटर रिटर्न टू हिज हाउस बट डिजेक्टेड, वो जो पॉटर था वो अपने घर में वापस आया, बहुत ही निराश होकर अपने घर में वापस आया. ही स्पेंट 10 days मेकिंग द पॉट, उसको 10 दिन लगे इस पॉट को बनाने में. Then it was dry, जैसे ही वो पॉट सूखा, 6 men had him carry it to the palace. फिर 6 लोगों ने उसकी मदद करी उस घड़े को पैलेस तक पहुँचाने में.
अकबर कॉल्ड फॉर द वॉशरमैन अलॉन्ग विद एन एलिफेंट. फिर अकबर को भी वहां पर, जो अकबर ने वॉशरमैन को भी वहां पर बुलाया एलिफेंट के साथ में. एज सून एज द एलिफेंट स्टेप इन टू द पॉट, जैसे ही जो एलिफेंट था उन्होंने अपना पैर रखा वहां पर पॉट पे, ही इट शैटर्ड इन टू अ 100 pieces. वो जो घड़ा था वो 100 pieces में टूट गया. द पॉट इज नॉट स्ट्रांग इनफ, रोट अकबर. अकबर ने क्या बोला चिल्लाते हुए, जो पॉट है वो इतना स्ट्रांग नहीं है. गो एंड मेक अनदर पॉट, जाओ एक दूसरा पॉट बनाओ. द पॉटर सून रियलाइज दैट ही वॉज इन ट्रबल, जो कुमार था उसको ये पता चल गया था कि वो अब वो मुश्किल में आ गया है. ही पैनिक्ड एंड फेल एट अकबर्स फीट, वो फिर वो बहुत घबरा गया और अकबर के पैरों में गिर गया. एंड बैग फॉर मर्सी, और उनसे माफ़ी मांगने लगा. ही ओन्ड अप टू हिज विक प्लान टू पनिश द वॉशरमैन, उनने उसने फिर उससे माफ़ी मांगी और बोला मतलब गलती हो गई, ऐसा उन्होंने बोला. उसने बोला कि उसने ये ऐसा प्लान बनाया था वॉशरमैन को पनिश करने के लिए. वॉशरमैन टेल मी हाउ डिड यू थिंक अप ऑफ द ऑफ दिस क्लेवर स्कीम, आस्क्ड अकबर. अकबर ने क्या पूछा, वॉशरमैन तुमने ये कैसे सोचा, ये सब ऐसी क्लेवर स्कीम तुमने कैसे सोची. इट वॉज बीबर्स आइडिया योर मैजिस्ट्री, उन्होंने क्या बोला, ये मैजिस्ट्री ये किसका आइडिया है, ये बीबर का आइडिया है. आई वेंट टू हिम फॉर हिज हेल्प, उनके पास में उनकी मदद लेने गया था. किंग अकबर कॉल्ड फॉर पैलेस, जो राजा अकबर थे उन्होंने फिर बीरबल को बुलाया. ही थैंक हिम फॉर सॉल्विंग अ ट्रिकी प्रॉब्लम, फिर उन्होंने उसको धन्यवाद दिया इतनी ट्रिकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बहुत धन्यवाद दिया. ओके स्टूडेंट्स, नाउ ये हमने स्टोरी आज रीड की है, ये स्टोरी आप लोग भी अच्छे से रीड करेंगे और अच्छे से समझेंगे. ओके अब हम इसके रीड करेंगे वर्ड बास्केट. ओके चलिए देखते हैं इसमें मीनिंग्स कौन कौन से दिए हैं हमको. फर्स्ट इज फ्रॉलिक. फ्रॉलिक क्या होता है, हैप्पी वे, मतलब जिस चीज़ में हमें बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है. ओके नेक्स्ट इज लिविड. लिविड क्या होता है, लिविड का मीन्स है एक्सट्रीमली एंग्री, फ्यूरियस मीन्स बहुत ज़्यादा गुस्से में आना. ओके नेक्स्ट इज शैटर्ड. शैटर्ड मीन्स ब्रोकन इन टू वेरी स्मॉल पीसेस, मतलब बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना. नेक्स्ट इज इम्प्रेसिव. इम्प्रेसिव मीन्स मेकिंग यू फील एडमायरेशन, देखिए इसमें किसी चीज़ को मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा बनाना. नेक्स्ट इज स्नीक. स्नीक मीन्स टू गो समवेयर सीक्रेटली, मतलब कहीं पे चुपचाप से जाना, या फिर ट्राइंग टू अवॉइड बीइंग सीन, मतलब कोई भी देखे नहीं हमें ऐसा कुछ करना. नेक्स्ट इज सोपी. सोपी मीन्स फुल ऑफ सोप, मतलब जिसमें बहुत सारा साबुन हो. नेक्स्ट इज समन. समन मीन्स टू गिव एन ऑर्डर फॉर अपियरिंग इन द कोर्ट, मतलब कोर्ट में पेश होना. नेक्स्ट इज पैनिक. पैनिक मीन्स अ सडन फीलिंग ऑफ ग्रेट फियर डैट कैनॉट बी कंट्रोल, मीन्स घबराहट होना. नेक्स्ट इज डिजेक्टेड. डिजेक्टेड मीन्स अनहैप्पी एंड डिसअपॉइंटेड, मीन्स बहुत ही ज़्यादा निराश होना. ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ये जो वर्ड बास्केट है ये आपको आपके फेयर नोटबुक में डन करने हैं. ओके ये मीनिंग्स आप इसमें लिखेंगे, पहले आप चैप्टर नंबर लिखेंगे, देन चैप्टर नेम, उसके बाद में वर्ड बास्केट लिखकर ये सारे मीनिंग्स आप नोट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.